फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि एनआईए लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है और आपको खबर इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। जब एनआईए की छापेमार कार्रवाई लगातार हो रही है, एक और जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर, सोपोर और बारामूला में एनआईए की रेड हो रही है। बुधवार को 7 जिलों में जमात इस्लामी के 17 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई थी। 8 और 9 अगस्त को 14 जिलों में 61 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। कई और इलाकों में एनआईए छापेमार कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की ताजा, क्योंकि श्रीनगर, सोपोर और बारामूला से जानकारी इस वक्त की मिल रही है कि एनआईए छापेमार कार्रवाई कर रही है। थोड़ी देर में हमारे साथी जुड़ेंगे तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ पहली बार नहीं है जब एनआईए की रेड हो रही है। इससे पहले कई बार एनआईए की रेड हो चुकी है, क्योंकि बुधवार का जिक्र करें तो 7 जिलों में यह कहा जा रहा है कि 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड हुई थी और एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की थी। हालांकि ये भी खबर है कि 8 और 9 अगस्त को, जब हम अगस्त का जिक्र करते हैं तो थोड़ा डाटा हम आपके सामने लेकर आए हैं कि 8 और 9 अगस्त को भी 14 जिलों में 61 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। फिलहाल एनआईए अभी भी छापेमार कार्रवाई कर रही है और कई और इलाकों में एनआईए छापेमार कार्रवाई कर सकते हैं। हिलाल हंजूरी हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया पांच के पंच में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। हिलाल, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि खबर है कि एनआईए कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई कर रही है और कई और इलाके में छापेमार कार्रवाई कर भी सकती है। कुछ अगर अगस्त की बात करें या फिर और महीनों की बात करें तो लगातार ये छापेमार कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल हर्ष, अब कश्मीर में जो एनआईए की छापामारी है वो अब मामूल हो चुका है। तकरीबन हर गुजरते दिन अब ये छापामारी हो रही है और इस हवाले से दो तीन चीजें काफी अहमियत की हामिल है। एक ये कि जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते थे, जो कि कालादम तंजीम करार दी गई है जिसे बैन किया गया है, उनके साथ, उस तंजीम के साथ जो वाबस्तगी रखने वाले लोग थे उनके घरों पर ही ज्यादा ये छापामारी हो रही है। और दूसरी बात की आपको याद ही होगा कि एनआईए मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर या उसके साथ साथ जो मिलिटेंट एक्टिविटीज या उनकी मदद करने के हवाले से जहां तक ताल्लुक है तो उस कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश करते हुए ये छापामारी कर रही है। हालांकि अभी तक इस हवाले से कोई वाजिया सबूत या वाजिया बयानिया जो है वो एनआईए की जनरल से जारी नहीं किया गया, बल्कि केसेस चलाए जा रही हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, यहां तक कि छापामारी जैसा कि मैंने कहा कि अब हर गुजरते दिन कश्मीर के अंदर हो रही है और आज भी कई एक मकामात पर कश्मीर के अंदर ये छापामारी हुई है। श्रीनगर के अंदर बेमिना हो या उसके साथ साथ दीगर इलाका जात हो, वहां पर भी आज छापामारी हुई है, पूछगछ हुई है और उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स या उनके फोन डिटेल्स, लैपटॉप्स या बाकी चीजें जो है उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका एक्सट्रैक्ट और आउटकम क्या है अभी तक एनआईए की जानिब से वो वजाहत नहीं की गई है। ठीक है, पर क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि खासतौर पर अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो राजौरी से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, उसके बाद हमने देखा हाँ छापेमार कार्रवाई होती रही लेकिन गिरफ्तारी का सिलसिला नहीं चला था, लेकिन अब कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं जिससे आगे आने वाले समय में कुछ जानकारी मिल पाए। देखिए, एनआईए इस हवाले से बिल्कुल टाइट लिप्ट है और एनआईए कोई भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से रिवील नहीं करते हैं, चाहे जहां पर उन्हें छापामारी करनी हो उस हवाले से भी कुछ नहीं बताते हैं और साथ ही साथ जो कुछ उन्होंने अभी तक किया हो उस पर भी कुछ नहीं बताते हैं। बल्कि जिनके खिलाफ केसेस लग जाते हैं उनके खिलाफ बाजब्ता वो चार्जशीट कोर्ट में पेश करते हैं, फिर कोर्ट के अंदर उनकी दलील क्या होगी और कोर्ट के अंदर क्या एनआईए की जो दलील होगी, जो चार्जशीट होगा वो उस पर खरा उतर पाएंगे या कि जो उनकी अपोजिशन पार्टियां हैं वहां उनकी जीत हो पाएगी, ये तो सवाल दीगर है, ये दीगर बाद में ही देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तक कार्रवाइयां जारी हैं, पकड़ दकड़ जारी है, पूछगछ जारी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल फोन्स जो है वो कंगाले जाते हैं, ये प्रोसेस अभी जारी है। ठीक है हिलाल, एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल हमारे संवाददाता कई पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत कर रहे थे, इससे हट के थोड़ी खबर थी जो पहले हम बता रहे थे कश्मीरी युवकों को लेकर थी जो आगरा में भी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन एनआईए पर भी उन्होंने बयान दिया और वो कह रहे हैं कि ये तो एजेंसी केंद्र की हो गई है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं एनआईए की छापेमार कार्रवाई होती है लेकिन अब वो कार्रवाई के तरीके से नहीं हो रही है, वो एजेंसी केंद्र की हो गई, चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात जिक्र करें या अनेक पार्टियों का जिक्र करें, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है खासतौर पर, तो बखूबी हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार ढंग से हो क्या रहा है।
देखिए इस तरह की शिकायतें जितनी भी अपोजिशन जमाते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो या मुल्क के अंदर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की हो अपोजिशन के अंदर, या दीगर जो उनकी हम ख्याल जमाते हैं, या यूपीए के जितनी भी अकाया हैं, उनकी जनब से बार बार इस तरह की जो इल्जामात है वो मरकजी सरकार पर लगाए जाते हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस मुल्क के अंदर है, चाहे वो एनआईए है, सीबीआई है या दीगर एजेंसीज हैं, उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर ही चलती है और इस पर हक से ज्यादा सियासत की जा रही है, क्योंकि इनके इल्जाम हैं और इस पर हमने देखा कि वक्तन-फौक्तन सरकार की जनब से जवाब भी दिया गया है। खैर इल्जाम है और जवाब दिया जा रहा है, खैर आप जानकारी दे रहे थे और आगे भी देते रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए कि कहां कहां छापेमार कार्रवाई हो रही है और स्थिति कैसी बनी हुई है। फिलहाल हमारे सीनियर साथी आपको बता रहे थे कि क्या कार्रवाई अभी हो रही है एनआईए को लेकर।